अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू फोर्थ डे ऑफ कैंपिंग पार्ट टू। देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। हाँ, देयर इज अनदर बीच साइड। बहुत ही खूबसूरत है। ये दूसरा हिस्सा है इसका। और हम आए थे, मैं वहाँ से आई थी, और बग़ैर शूज़ के यहाँ पर मत आएँ क्योंकि यहाँ की जो रॉक्स हैं बहुत ही खुरदुरी हैं। स्लिपर ही टूट गई मेरी यहाँ पर रॉक्स में ना, इसके इतने सारे फोल्ड्स हैं, इनकी वजह से टकरा के टूट गई। अब मुझे चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत चुभ रही हैं ये रॉक्स। और ये वो पोर्शन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही खूबसूरत रॉक्स भी हैं यहाँ पर। लगता है देखने में कि कितने हज़ारों सालों पुरानी हैं ये। इसके फोल्ड्स जो हैं वो बहुत ही नेचुरल फील देते हैं। बहुत ही प्यारा साफ़ सुथरा पानी है, लेकिन हूँ मैं बिल्कुल समंदर के बीच में, क्योंकि जहाँ वॉकिंग ट्रैक था वहाँ पर तो ऑलमोस्ट समंदर का बीच था और ये उसके बिल्कुल सीध में बना हुआ है, तो पानी भी आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। शेल बीच है ये, और पूरा जो है ना शेल्स ही शेल्स हैं यहाँ पर। यहीं बैठ के मैं ज़रा नज़ारा लेती हूँ समंदर का। इतना उदास क्यों बैठा है ये बच्चा, ज़रा पूछते हैं। Hi handsome, how are you? You are looking tired. Yeah? You are looking tired. He said no, but he looks so tired. ये जो है ना इसका दूसरी तरफ है, मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। ले आप लोग भी नज़ारे लें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फिर पता नहीं कब यहाँ आना हो, नज़ारे भर लें आंखों में, मैं भी बस यही कर रही हूँ। शैली बीच, एक्चुअली ये कॉर्नर है शैली बीच का, यहाँ से वॉकिंग ट्रैक से यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो शैली बीच की पूरी पट्टी पीछे की तरफ शुरू हो जाती है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। अभी आपने एरियल व्यू भी देखना है यहाँ का। और यहाँ से बहुत आगे दूसरी पट्टी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा सकती, और अब मुझे वापस जाना होगा। जगह जगह यहाँ पर आई जैसे फोल्ड्स हैं, जगह जगह ऐसा लग रहा है कि क्रोकोडाइल की आई बनी हुई है। Hi man, how are you? Did you find any fish? Where are you from? Where are you from? I'm from Kenya. Where are you from? I'm from Pakistan. I'm from Pakistan. Yeah. इन भाई साहब से अच्छी खासी गपशप हुई, लेकिन फिश इन्होंने एक भी नहीं पकड़ी। इनका बेटा इसीलिए नाराज़ था।
Family? Yeah, I'm with family. Okay. Woo! Kaha gayi main Anu. Anu, where are you? Dai dekh ke dar lag raha hai mujhe. I'm in the sea. I need to go back. Bachat ho gayi. It looks like I. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और मुझे बिल्कुल भी मत देखिए क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत ही काली हो रही हूँ, तो सिर्फ आप लोग पानी को देखने यही बेहतर है। और जनाब ये जो है ना मेरा चौथा दिन है यहाँ पर, चौथा दिन है भाई हमारा यहाँ पर, और मैं इतनी काली हो चुकी हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू शो माई फेस। और ये है हमारे कैंप की जो दूसरा बीच है, ये वो है, वो साइड है। और तीसरे दिन यानी यस्टरडे, डर लग रहा है यार, तो मजा आता। ओके ओके ओके, टॉक यू लेटर। एरियल व्यू देखते हैं कैसा लग रहा है। ये पूरी पट्टी मैं कल दिखाऊंगी आपको, कल वाली वीडियो में। वर्ल्ड फेमस दाल चावल किस किस को पसंद है, आ जाओ। ब्लॉगर खाना खा लो पहले। इस कॉर्नर पे थीम है और अब ये कल मैं पूरी पट्टी दिखाऊंगी आपको शैली बीच की। ऊपर से ये व्यू पॉइंट भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने पिक्चर ली, पीछे पानी आ रहा था, मेरे पीछे बिल्कुल पानी था और आगे भी पानी है। वाह जी वाह, क्या पिक्चर आई है, महारत चेक करें बस कैमरामैन की। मेरे पीछे जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये शैली बीच है सारा, जिसे हम कल एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो कल की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। वापस आके फ्रेश होकर अब फोटो सेशन चल रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इस जगह को देखें और इन वीडियोस का लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पे भी रैंप चल रहा है और कैंप में भी जो लोग आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने घर सजाए हुए हैं, अपने कैंप भी सजाए हुए उन्होंने। ये पिक्चर रात में ली थी चांद, बहुत अच्छा लग रहा था। एक एप्लीकेशन में हमने ये सितारों की पिक्चर डालकर देखा कि ज़मीन किस तरह मूव कर रही है, और सितारे आज भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे कैंप के ऊपर ठीक ऊपर चाँद का ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसके साथ हम कर रहे थे थोड़ी थोड़ी गपशप भी। आस पास कोई लाइट नहीं है, बस यही लाइट्स है जो हमारे कैंप में लगी हुई हैं, ना कोई साइड बल्ब है, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो जाती नहीं पानी की तरफ ज़्यादा रात में, एक भी दिन नहीं गई मैं समंदर की साइड पर रात में, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर लगता है भाई। मतलब इतनी लाइटें बंद करके कौन रखता है यार, मतलब आपने इतने हज़ारों कैंप्स लगवा लिए, यहाँ पर रेजिडेंसी है, हर चीज़ है, लेकिन आपने एक लाइट भी नहीं लगाई हुई। इतनी बिजली बचाते हैं कि लोगों को सेफ्टी ना फील हो, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।